इंदौर में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भाजपा और कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है। एक ओर तो 84 वार्डों से लैस इंदौर शहर और 600 से ज्यादा गांव में पैठ बनाना दोनों ही प्रत्याशियों के लिए कठिन डकर है और इतने कम समय में मतदाता तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में पूर्व विधायक अश्विन जोशी के साथ मतदाताओं से घर घर संपर्क किया। वहीं इस दौरान संघवी ने मंत्री जीतू पटवारी के मतदाताओं को 25 लाख रुपए जिम के लिए देने वाले बयान से अनभिज्ञता भी जाहिर कर दी। के 12:30 बज चुके हैं और गर्मी अपने पूरे चरम पे है, लेकिन चुनाव प्रचार भी कांग्रेस का चरम पे है। क्षेत्र क्रमांक 3 में कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है और उनके साथ पूर्व विधायक अश्विन जोशी मौजूद हैं। पंकज जी से पूछते हैं, पिछला लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? वो 98 की बात थी और 98 में माननीय अटल जी की लहर थी, तब मैं 3,90,000 वोट लाया था। उस समय भी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया था, सबने मेरी बहुत मदद की उस समय भी, और 49,000 से ऊपर वोटों से जीती थी चुनाव। इस बार फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, सबका सहयोग मिल रहा है, सब लोग साथ में हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। अब दौर बदल गया है, टेक्निक का दौर आ गया है, व्हाट्सअप फेसबुक और ट्विटर का जमाना आ गया है। आप आधी से ज़्यादा विधान लोकसभा घूम चुके हैं, कैसा लग रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? अच्छा है, कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। आपके इंदौर जिले के 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्री आपके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आप इसके अलावा पार्टी से और क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कह रहा हूँ, तीनों मंत्री के साथ दोनों जीते हुए एमएलए, जो हमारी 4 सीट हारी है, वो चारों के चारों मेरे साथ खड़े हैं और पूरी पार्टी साथ खड़ी है। पूरी पार्टी के सहयोग से ही कांग्रेस जीतेगी इस बार। कल जीतू पटवारी का एक बयान को लेकर कुछ चर्चा चल रही है, आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कौन सा बयान? जिसमें उन्होंने 25 लाख रुपए का जिम देने की बात कही है। ये कोई मेरा ध्यान नहीं था उस समय, लेकिन मैंने देखा बाद में जो आया है व्हाट्सअप, उसमें देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा, मेरे को नहीं लगता कि उस समय कुछ बोला होगा, या कुछ बोला भी है तो उसको तोड़ मोड़ कुछ काट पीट के पेश करा हुआ लगता है मेरे को। ये देखिए, पंकज संघवी अपने पूरे उत्साह के साथ मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी शनिवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में मतदाताओं के बीच समर्थन के लिए पहुंचे। इनके साथ क्षेत्र के विधायक महेंद्र हाड़िया भी मौजूद थे। लालवानी के प्रचार प्रसार में बच्चों की बड़ी टीम भी नजर आई। इसको लेकर चर्चा का माहौल रहा कि क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी है।